डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को खजूरी खास इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिससे कई घरों को उठा दिया गया। डीडीए के इस बुलडोजर एक्शन में बेघर होने वाले लोगों में वकील हसन भी शामिल है, जिन्हें पिछले साल नवंबर में अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया था। वकील हसन पेशे से रैट माइनर है, जो चूहे की तरह सुरंग खोदने वाले हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान में शामिल रेड माइनर्स यानी खनिकों में से एक वकील हसन के घर पर भी डीडीए का बुलडोजर चला है। वकील हसन ने अपना घर ढाए जाने के बाद कहा कि हमने सिलक्यारा सुरंग में 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें यह सिला मिला है। पहले मैंने अधिकारियों और सरकार से अनुरोध किया था कि यह घर हमें दे दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज बिना किसी पूर्व सूचना के डीडीए की टीम ने आकर इसे ध्वस्त कर दिया। वहीं रेट माइनर हसन के परिवार ने आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्हें कोई सूचना पहले से नहीं दी गई है। हसन ने आरोप लगाया कि हमने एक बार भी ये सोचे बिना कि हमारा कर्तव्य क्या था, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस तरह अधिकारी मेरे बच्चों को बेघर करके मुझसे बदला ले रहे हैं। विध्वंस के दौरान मेरी 15 वर्षीय बेटी भी घायल हो गई। मैंने डीडीए टीम से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की मिन्नत को रोकने की मिन्नत की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने अभियान के दौरान केवल मेरा घर हटा दिया पूरी तरीके से। वही इस पूरे मामले पर ओएसी की एंट्री हो गई है। ओएसी ने ट्वीट पर लिखा, डीडीए ने रेट माइनर वकील हसन के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया है, नोटिस तक नहीं दिया गया। बुलडोजर तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन 41 लोगों को बचाया था जो उत्तरकाशी में फंसे थे। किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज्य में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब सभी की निगाहें उत्तराखंड पर थी, तो इन रेट माइनरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग में मजदूरों जो फंसे हुए थे उनको बचाया। उस समय सभी भाजपा नेता श्रेय लेने के लिए अपने उनके घर गए थे। कल डीडीए केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले उन रेट माइनरों में से एक का घर तोड़ दिया गया। बात इस घर की नहीं है, पिछले 1.5 साल में लाखों लोगों ने अपना घर खो दिया है। ये लोग कहाँ जाएंगे, बिना कुछ दिए उनके विकल्प के तौर पर लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने लोगों का बचाकर कई घरों को उजड़ने से रोका, उनका घर तोड़ना अच्छा नहीं। भाजपा सरकार क्या इसी तरह अच्छे काम का इनाम देती है? अलग अलग नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए मामले को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किया। हालांकि मकान टूटने के बाद से वकील का परिवार दुखी है और सरकार अब हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रही है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी, तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी। अब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, यह अन्याय ही भाजपा के अन्यायकाल की सच्चाई है। जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। इस तरीके से जब हसन वकील कि मकान टूटी, उसके बाद में सियासत भी शुरू हो गई है। ओएसी से लेकर के आप नेता से लेकर के कांग्रेस तक के इस सियासत में एंट्री हो गई है और लगातार इस पर सियासी तेज हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।